हाँ ठीक है, हो जाए ठीक से देखना भैया बहुत जिसु उधर आ। हाँ इस वाले पकड़ो। यहाँ दोनों बाइक लगाने दीजिए। हमारा असम का सबसे बड़ा नदी ये क्या हुआ? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी अगेन। और हम लोग हो चुके हैं लेट, क्योंकि अभी बाजरे 7 और हम लोग उठने वाले थे 5 बजे, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं सिलीगुड़ी पे। और गुवाहाटी तो सिलीगुड़ी लगभग 485 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी तो हम लोग लेट हो चुके हैं। हम लोग लेट होने की वजह ये है कि कल हम लोग पूरा दिन गुवाहाटी टाउन में घूम रहे थे, मतलब शॉपिंग कर रहे थे और बाइक का काम करवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और 1 बजे सोए थे कल रात को, इसीलिए अभी उठने में बहुत लेट हो चुका है। तो देखते हैं आज गुवाहाटी तो सिलीगुड़ी हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत दूर है। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद निकलते और बाकी बातें आपसे बाइक पे करते हैं। तो लेट्स गो टू सिलीगुड़ी। सो फाइनली गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं। बहुत लेट हो चुका है, 9 बज चुका है, पता नहीं कब जाके सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइट पैंट हो। चलिए लेट्स गो। पता नहीं आगे ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो अच्छा है, ट्रैफिक मिलने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फुल्ली लोडेड है हम लोग। ये भाई भयंकर गर्मी है आज, पसीना पसीना हो गया पूरा जैकेट के अंदर सब में। ये सामने है हमारा असम का सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, ये देखिए। अभी तो फिलहाल इसमें पानी कम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं इस साइड। और ये ब्रह्मपुत्र का ब्रिज, पानी कम है फिर भी इतना बड़ा है, तो सोचिए अगर पानी होगा तो इतना बड़ा होगा। देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये जो ब्रिज का लेंथ है ये 2 किलोमीटर है। ठीक है सर। तो ये कह रहा था 100 स्पीड के ऊपर नहीं जाना है, और जो लोगों को बंगाली आती है तो वो लोग समझ ही गए होंगे। इसके पीछे जो लागी थे ये बहुत ज्यादा हिलता है 100 के ऊपर जाने से। सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छाव है। तो पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ का मौसम ठंडा मौसम है, लेकिन अभी यहाँ पे धूप निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका बाइक देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मस्त लग रही है ये। इसने इसका नाम है क्या, प्रीमियर इसका नाम है या कुछ ऐसा है। तो इसने ये सेटअप किया, मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे दिखाया था, तो अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ। और ये इसका टॉप बॉक्स है, बहुत ही भाई ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया अपने बाइक के ऊपर। और ये है गाइस
रंग्या का मेन हाईवे। ये है मेरा बाइक, आप लोग देख सकते हो दोनों बाइक फुल्ली लोडेड है, बहुत ज़्यादा हो गई रेस्ट। अभी हम लोग निकलते हैं और मेरा पैर में अभी थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग रुके थे, तो चलिए अभी निकलते हैं। और मेरा स्टैंड मिट्टी के अंदर घुस गया है पूरा, ठीक है, लेट्स गो ब्रदर। ओ बहुत ज़्यादा भारी हो गया है बाइक अभी, और टैंक भी मैंने फुल कराया है इसीलिए और भी भारी लग रहा है। लगभग दो कुंटल या ढाई कुंटल के आसपास होगा मेरा बाइक का वेट। और 100 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग कुछ खाएंगे, या फिर 100 किलोमीटर के पहले ही कुछ खा लेंगे अगर भूख लगेगी ज़्यादा। फिर हम लोग कोई होटल या ढाबा ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी सीरियसली बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आगे जा, आगे जा, आगे जा। हम लोगों को एक दवा मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो चलिए अभी कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग ये इस जगह का नाम है गोसाई गांव, और ये गोसाई गांव का दवा है, तो चलिए यहाँ पे खा लेते हैं कुछ। सो आप लोग मेरा फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है। सो गाइस हमारा खाना वाना कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो ये देखिए मेरे शूज़ और मैंने खोल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी चल रही है आज। और हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग निकल जाएंगे, और अभी यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है, तो डायरेक्टली जाएंगे गाइस सिलीगुड़ी। तो लेट्स गो टू सिलीगुड़ी, और कहीं पे नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे गाइस सिलीगुड़ी। सो फाइनली गाइस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और ये मेरा चार्जिंग सॉकेट यहाँ से टूट गया है, सामने जाके ठीक करेंगे, इसका स्क्रू का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अभी फिलहाल से, तो मैंने फ़ोन को यहाँ पे सेट किया है, तो चलिए निकलते हैं। सर नदी है, ये क्या हुआ, अरे भाई साहब पूरा ट्रक पलट गया यार। देखता हूँ क्या हुआ यार, अरे फोटोग्राफी चल रही है क्या, ठीक है यहाँ लगा सकते हैं अपना बाइक, दोनों लगाइए ना, यहाँ दोनों बाइक लगाने दीजिए। ये तो छा गया गुरु, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते भीतर भीतर, हाँ ठीक है, हो तुम आ जाओ मैं अच्छा से हम लोग असम, हाँ असम से। हम लोग को उठा पूरा, अरे अकेले एक उठा दे भैया, उठा दे एक अकेले एक उठा दे अच्छे से सर, भैया सर फोड़ दीजिए,
थैंक यू। वेलकम। ठीक है, नहीं वेलकम कुछ नहीं, वेलकम। क्या रूपक देव ब्लॉग्स है? रूपक देव ब्लॉग्स, आर यू पी ए के टी वाई। ठीक है ठीक है, रूपक दे ब्लॉक्स, आर यू पी ए के पी ए के रूपक, हाँ दे डी वाई डी वाई, हाँ रूपक दे ब्लॉक्स हमारे ब्लॉक्स, हाँ स्पेस देने से हो जाता, स्पेस नहीं दिया आपने रूपक दे, हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ स्पेस दे से, हाँ ब्लॉक्स ना, हाँ सर्च कर लीजिए हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेलकम वेलकम। भैया हरे फोन से किस जना यही है ना, या वही है, यहाँ पे भी है आपका, और आप अगर इसमें जाएंगे ठीक है। भैया एक मेरे फोन से किस जना प्लीज, हाँ आ जाओ तुम लोग ग्रुप में, ठीक है आते हैं, बाय बाय। सो माय बॉयज एंड गर्ल्स, सनसेट का आप आराम से मजा लीजिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सनसेट है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रही है, भाई साहब यहाँ पे इतना मिट्टी है, बहुत ज्यादा डस्ट है यहाँ पे, अरे तो अभी हो गया 7:41। सो फाइनली गाइज, बहुत टाइम राइड करने के बाद फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पे आ चुके हैं, और अभी जाएंगे सीधे होटल पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग टायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा। सो फाइनली गाइज हम लोग होटल पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को होटल मिला है, लेकिन फाइनली मिल तो गई है। तो मैं आपको हमारा रूम दिखा देता हूँ, तो ये रहा हमारा रूम, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार रूम है, और आज हम लोगों को दो बेड मिला है, ये मेरा बेड और ये मेरा दोस्त का बेड है। तो आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।